अरे सीमा तुम नहीं समझ रही हो। सुनो, तुमने जितनी भी प्रोफाइलों में भेजी है ना, सारी की सारी लड़कियां किसी अमीर घर की हैं या बहुत पढ़ी लिखी हैं। सीमा उनके पहनावे से समझ में आता है बड़ी मॉडर्न है। हमें नहीं सुनना सीमा, तुम सुनो प्लीज। हमें अपने बेटे के लिए एक सीधी सादी लड़की चाहिए। अच्छी, हम उसे खुद बना लेंगे। हाँ, जो हमारा घर संभाल सके, हमारे बेटे को संभाल सके, और क्या चाहिए। अच्छा सुनो, हम तुमसे अब बाद में बात करते हैं। और प्लीज, जैसी लड़की हमने बोली है उसी के हिसाब से लड़की ढूंढो ना, सीधी सादी। हाँ ठीक है, चल। परेशान नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेंगे, सारा काम हर चीज हमें तो देखनी पड़ती है। और किसी को पड़ी है यहाँ पर? बड़ी दीदी को देखिए, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है। और वो माधुरी, वो किसी काम की नहीं है। अब ले देखिए, वो पिंकी है, सारा दिन लगी रहती है। अब उसको क्या घिसते हैं, लगी रहती है, करती है काम, सब कुछ तो वो भी नहीं संभाल सकती ना। और ये कि दिग्विजय है, इसे तो कोई पड़ी नहीं है। जब देखो काम 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 काम, कितनी बार बोला है बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी के बारे में सोच, ऐसे टाइम निकल जाएगा, पर नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या बोला आपने, अपनी पसंद से शादी करें? एक मिनट, उसने बोला आपको उसे कोई लड़की पसंद है? बताइए ना, बता, मतलब उसकी उसके जीवन में कोई है, बताइए ना प्लीज। नहीं, अपने बेटे की शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। लाखों में एक है हमारा बेटा, इतना बड़ा डॉक्टर है शहर का, तो क्या कोई भी ऐसी वैसी लड़की ले आएंगे उसके लिए? देखिए जी, हम अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करेंगे, जो लड़की हमारे बेटे के लायक हो, इस घर को संभाल सके, मेरे बेटे के खाने से लेकर उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख सके। इसीलिए मैंने तय किया है कि कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करूंगी मैं अपने बेटे की। अरे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो काम पे निकल जाएगी, बाहर जाएगी, काम करेगी, तो घर का क्या खाक ख्याल रखेगी और मेरे बेटे का? मैं तो कोई कम पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगी और अपने हिसाब से अपने बेटे की शादी करूंगी, और इसमें मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है। बस ये मेरा फैसला है।